दोस्तों, बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने अभिनेता फरदीन खान ने भले ही एक्टिंग की दुनिया से दूरियां बना ली हो, लेकिन इनकी कुछ यादगार फिल्में आज भी दर्शकों की जुबान पर बरकरार हैं। इसलिए आज भी इन्हें किसी पहचान की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों, आप अभिनेता फरदीन खान के बारे में तो बहुत कुछ जानते होंगे, पर क्या आप इनकी फैमिली हिस्ट्री के बारे में जानते हैं कि ये किस परिवार से ताल्लुक रखते हैं, इनका फैमिली बैकग्राउंड क्या है और कैसे फरदीन खान ने फिल्म इंडस्ट्री में अपना पहला कदम रखा। आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको इन्हीं सब सवालों के जवाब देने वाले हैं अभिनेता फरदीन खान की फैमिली हिस्ट्री बताकर। अगर आप भी फरदीन खान के परिवार के इतिहास के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही फरदीन खान के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। बॉलीवुड को हे बेबी, नो एंट्री, ऑल द बेस्ट जैसी कई सुपरहिट फिल्मों के साथ एंटरटेनिंग गानों से दर्शकों का भरपूर मनोरंजन कर चुके अभिनेता फरदीन खान आज भले ही एक्टिंग की दुनिया से दूर हो, लेकिन ये आज भी अपनी यादगार फिल्मों के लिए जाने जाते हैं। पर बात करें इनकी फैमिली हिस्ट्री की, तो इस मशहूर अभिनेता का इतिहास शुरू होता है फिल्म मेकर फिरोज खान के घर से, जिनका जन्म 25 सितंबर 1939 को बैंगलोर में हुआ था। उनके पिता पठान थे जबकि माता ईरानी। इनके तीन और भाई भी थे जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री का रास्ता चुना, जिनमें से एक है संजय खान, दूसरे हैं अकबर खान और तीसरे हैं समीर खान। अकबर और संजय खान ने जहां अभिनय में हाथ आजमाया, वहीं समीर ने फिल्मों को निर्मित करना ठीक समझा। वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि फिरोज खान की भतीजी और संजय खान की बेटी सुजैन की शादी ऋतिक रोशन से हुई थी, जो कि फिलहाल एक दूसरे से डायवोर्स ले चुके हैं। लेकिन क्योंकि अभिनेता फिरोज खान ने अपनी पहचान एक फिल्म मेकर के साथ साथ एक अभिनेता के तौर पर भी बनाई थी और उन्हें बॉलीवुड का सबसे धाकड़ अभिनेता भी कहा जाता था, जिन्होंने कुर्बानी, धर्मात्मा और जांबाज जैसी कई फिल्मों में काम किया था। और इसी दौरान उनकी मुलाकात फिल्म एक्टर सुंदरी से हुई थी, जिनके साथ ये काफी लंबे समय तक रिलेशनशिप में भी रहे थे और इसी के चलते दोनों ने साल 1965 में एक दूसरे को अपना जीवन साथी चुन लिया था। इस शादी से अभिनेता फिरोज खान, एक बेटी फरदीन खान और दो बेटियां लैला और सोनिया के पिता बने थे। लेकिन फिरोज और सुंदरी की ये शादी महज 20 सालों तक ही चल पाई थी और आपसी मनमुटाव के भरने के कारण दोनों ने साल 1985 में एक दूसरे से अपनी राहें अलग कर ली थी। लेकिन फिरोज खान ने अपने तीनों ही बच्चों की परवरिश अपने दम पर की थी, जिसके चलते साल 2009 में फिरोज खान की मौत के बाद इनके तीनों ही बच्चे अपने करियर में काफी सफल रहे। जहां इनकी बेटी सोनिया ने बैंकर के तौर पर अपना करियर चुना था, लेकिन एक बार एक्सीडेंट के चलते सोनिया ने साल 2012 में राजधानी दिल्ली में ही अपनी जान गंवा दी थी। वहीं फिरोज खान की दूसरी बेटी लैला ने एक पेंटिंग आर्टिस्ट के तौर पर अपनी पहचान बनाई, जो आज देश विदेश में अपनी कला के लिए जानी जाती हैं। पर इनका निजी जीवन काफी दुख भरा रहा, जिन्होंने पहली शादी दिल्ली के बिजनेसमैन रोहित राजपाल के साथ रचाई थी, लेकिन आपसी मतभेद के कारण दोनों का ये रिश्ता कुछ सालों बाद ही खत्म हो गया था। इसके बाद लैला ने अपने दूसरे हमसफर के तौर पर फरहान फर्नीचर वाला को चुना था, जो एक्ट्रेस पूजा बेदी के एक्स हस्बैंड है। फरहान फर्नीचर वाला का अपना खानदानी बिजनेस है जो 100 सालों से चल रहा है और लैला अपने पति के काम में डिजाइनिंग और क्रिएटिव आइडियाज के जरिए मदद भी करती है। अब अंत में बात करते हैं खान परिवार के इकलौते बेटे फरदीन खान के बारे में, जो की उम्र में अपनी दोनों बहन सोनिया और लैला से छोटे हैं। बता दें कि फरदीन खान ने जमनाबाई नर्सी स्कूल से अपनी शुरुआती पढ़ाई करने के बाद यूएस से बैचलर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई कंप्लीट की थी, जिसके बाद इन्होंने अपने पिता फिरोज खान की तरह साल 1988 में आई फिल्म प्रेम आंगन में सूरज सिंह की भूमिका निभाकर एक्टिंग की दुनिया में अपना पहला कदम रखा था और इनकी ये फिल्म काफी सुपर डुपर हिट साबित रही थी, जिसके बाद फरदीन खान को हे बेबी, कुछ तुम कहो कुछ हम कहें, ऑल द बेस्ट और नो एंट्री जैसी कई सुपरहिट फिल्मों में अभिनय करते हुए देखा गया।
साथ ही इनके मुझे प्यार होने लगा है जैसे गानों को भी दर्शकों ने बेहद पसंद किया। लेकिन जिस तरह से फिरोज खान ने एक्टिंग की दुनिया में अपनी एक खास पहचान बनाई थी, फरदीन खान उससे काफी पीछे रह गए थे और इसका ये सिक्का फिल्म इंडस्ट्री में कुछ समय तक ही बरकरार रहा। और साल 2010 में आई फिल्म दूल्हा मिल गया इनके अभिनय करियर की आखिरी फिल्म साबित हुई, जिसके बाद इन्होंने एक्टिंग की दुनिया को पूरी तरह से टाटा बाय कह दिया और ये फिलहाल मुंबई में रहकर अपना बिजनेस संभालते हैं। बात करें फरदीन खान के निजी जीवन की, तो फरदीन खान जब अपने एक्टिंग करियर के सफल मुकाम पर थे, तब इन्होंने साल 2005 में नताशा माधवानी को अपना जीवन संगनी के तौर पर चुना था और आज ये शादी के बंधन में बंधकर दो प्यारे बच्चों के दंपति भी बन चुके हैं, जिनका नाम दियानी इजाबेला खान और एसडीएस फरदीन खान है। बता दें कि इनको दोनों ही बच्चे अभी काफी छोटे हैं और अपनी पढ़ाई पर फोकस कर रहे हैं। वहीं आपको जानकर हैरानी होगी कि नताशा माधवानी कोई और नहीं बल्कि बॉलीवुड की सदाबहार अदाकारा मुमताज और मयूर माधवानी की बेटी हैं, जिस रिश्ते से फरदीन खान मुमताज के दामाद लगते हैं और दोनों के बीच की बॉन्डिंग भी काफी अच्छी है। दोस्तों, आपको अभिनेता फरदीन खान की फैमिली हिस्ट्री के बारे में जानकर कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी और मसालेदार खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।